ज्ञानवंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गंधर्व कौन थे और क्यों करते थे लोग इनकी साधना। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको गंधर्व के बारे में जानकारी। दोस्तों गंधर्वों को देवताओं का साथी माना गया है। गंधर्व विवाह, गंधर्व वेद और गंधर्व संगीत के बारे में आपने सुना ही होगा। दोस्तों एक राजा गंधर्व सेन भी हुए हैं जो विक्रमादित्य के पिता थे। गंधर्व नाम से देश में कई गांव हैं। गांधार और गंधर्वपुरी के बारे में भी आपने जरूर सुना ही होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि गंधर्व कौन थे और गंधर्व साधना क्यों की जाती थी। दोस्तों दरअसल गंधर्व नाम की एक जाति प्राचीन काल में हिमालय के उत्तर में रहा करती थी। वह जाति नित्य और संगीत में पारंगत थी। वे सभी इंद्र की सभा में नित्य और संगीत का काम करते थे। पौराणिक साहित्य में गंधर्वों का एक देवोपम जाति के रूप में उल्लेख हुआ है। दूसरा फ्रेंड्स, गंधर्व नाम से एक अकेला देवता थे जो स्वर्ग के रहस्यों तथा अन्य सत्यों का उद्घाटन किया करते थे। वे देवताओं के लिए सोम रस प्रस्तुत करते थे। तीसरा फ्रेंड्स, विष्णु पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा के पुत्र थे और चूंकि वे माँ वाग देवी का पाठ करते हुए जन्मे थे इसलिए उनका नाम गंधर्व पड़ा। दरअसल ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से गंधर्वों का जन्म हुआ था। अगला फ्रेंड्स, दोस्तों गंधर्वों का प्रधान चित्ररथ था और उनकी पत्नियां अप्सराएं हैं। अगला फ्रेंड्स, दोस्तों अथर्ववेद में गंधर्वों की गणना देवजन, पृथक देव और पितरों के साथ की गई है। अथर्ववेद में ही उनकी संख्या 6333 बताई गई है। अगला फ्रेंड्स, दुर्योधन को गंधर्वों की सेना ने घेर लिया था, तब पांडवों ने गंधर्वों के साथ युद्ध करके उसकी जान बचाई थी। अगला फ्रेंड्स, बहुत से लोग गंधर्वों की पूजा और साधना किया करते हैं। गंधर्व साधना से रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कलाकार लोग ज्यादा गंधर्व की साधना करते हैं। जिन लोगों को सुंदर स्त्री की कामना रहती है वे भी करते हैं गंधर्व साधना। गंधर्व और अप्सराओं को प्रायः एक साथ ही स्मरण किया जाता है। अगला फ्रेंड्स, दोस्तों महाभारत में सभा पर्व में वर्णन है कि कुछ गंधर्व इंद्र की सभा में और कुछ गंधर्व कुबेर की सभा में उपस्थित होते हैं। चित्रसेन 27 गंधर्वों और अप्सराओं के साथ युधिष्ठिर की सभा में इसलिए आए थे कि वे अर्जुन के मित्र थे। अर्जुन ने इनसे ही संगीत सीखा था। अगला फ्रेंड्स, गंधर्वों का दूसरे नाम अर्थात गातु और पुलम भी है। महाभारत में गंधर्व नाम की एक ऐसी जाति का भी उल्लेख हुआ है फ्रेंड्स जो पहाड़ों और जंगलों में रहती थी। ऋग्वेद में गंधर्व वायुकेश, सोमरक्षक, मधुरभाषी, संगीतज्ञ और स्त्रियों के ऊपर अति प्राकृतिक रूप से प्रभु विष्णु बतलाए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र के स्वर्ग में 11 अप्सराएं प्रमुख सेविका थी। ये 11 अप्सराएं हैं कृतस्थली, पुंजिकस्थला, मेनका, रंभा, प्रमलोचा, अनुम्बलोचा, घृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचिति और तिलोत्तमा। इन सभी अप्सराओं की प्रधान अप्सरा रंभा थी। दोस्तों अलग अलग मान्यताओं में अप्सराओं की संख्या 108 से लेकर 1008 तक बताई गई हैं। कुछ नाम इस प्रकार हैं: अंबिका, अलम्बुसा, अनावधा, अनुचना, अरुणा, असीता, बुद्बुदा, चंद्र ज्योत्सना देवी, घृताची, गुणमुख्या, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, विश्रास्थला, मृगाची, नाभी दर्शना, पूर्व चिट्ठी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुसला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, सारद्वती, सुचिका, सौमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सूर्जा, सुरसा, सुराता, उमलोचा इत्यादि। तो दोस्तों यह थी जानकारी कि गंधर्व कौन थे और लोग उनकी साधना अप्सराओं के साथ क्यों करते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।